नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नीम की दातुन के क्या फायदे हैं। जी हाँ, नीम की दातुन जो है वो बरसों से इसका इस्तेमाल होता है, और जब लोग पेस्ट के बारे में नहीं जानते थे तब लोग दातुन से मुंह धोते थे। दांतों में सेंसिटिव समस्या अगर आपके होती है तो या आपके दांत पीले या आपके सांसों में बदबू आती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां अजीब अजीब तरह के टेस्ट बना के पेस्ट बना के लाती हैं और लोग उनको पागलों की तरह खरीदते चले जाते हैं। लेकिन लोग सही मायने में देखा जाए तो अगर आप नीम की दातुन करते हैं तो आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। नीम की दातुन करने के बहुत से औषधीय गुण हैं और इन औषधीय गुण का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। वैसे भी लोग आजकल बहुत से लोग गांव में शहरों में भी दातुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक तो ये झूठी नहीं है, इसका बार बार इस्तेमाल नहीं होता और ताजा तोड़कर खाई जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, शुद्ध और पवित्र होती है इसलिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दातुन को सूखा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे रस नहीं निकलता और दांत के साथ पेट और चेहरा भी अच्छा रहता है अगर आप दातुन करते हैं नीम की। दांतों में कीड़ों से बचाव होता है। बच्चों के दांतों में कीड़े होने की जो समस्या होती है उसका मुख्य कारण होता है चॉकलेट। चॉकलेट खाने से या मीठा खाने से दांत में दर्द होता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अगर नियमित रूप से बच्चे दांतों से दातुन करेंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे तो उनके कीड़ों की समस्या जो है वो हल हो जाएगी, क्योंकि ये नीम की जो दातुन है वो कीटनाशक है। आपके मुंह में अगर बदबू आती है, आप किसी से बात करते हैं बदबू आती है तो पस और सड़न से भी राहत दिलाता है, क्योंकि ये कमाल की चीज है। आयुर्वेद में ये एक लघु कषाय कटु एवं शीत होने के कारण दांतों में सड़न, मुंह में बदबू और पस आदि होने से रोकती है और मुंह के छालों को। अगर नीम के दातुन का एंटी माइक्रोबायल गुण मुंह के छालों को जल्दी ठीक करता है और उनका बार बार आना भी कम करता है अगर आप लगातार दातुन करते हैं। दांतों में अगर आपको दर्द है तो ये असरदार है। नीम के दातुन को अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए और धीरे धीरे चबाइए, और जब उसमें से जो रस निकलता है वो आपके दांतों के अंदर जाता है, मसूड़ों में जाता है, जिससे आपके दांतों के दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण वाला है और इसलिए ये मजबूत करता है आपके मसूड़ों को, जिसके कारण बुढ़ापे में आपके दांतों की समस्याएं जो हैं वो बहुत कम होती हैं और दांतों का पीलापन दूर करता है। अगर आपके दांत पीले हैं, जंक फूड खाने की वजह से हम लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, तो उसकी समस्या यही है कि जो नीम के दातुन का रस निकलता है उसे दांतों को रगड़िएगा हाथ से हल्के हल्के से, तो वो आपके दांतों को सफेद और चमकदार और स्वस्थ बनाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये चेहरे के लिए, आपकी फेस लुक के लिए एक बहुत बड़ा व्यायाम है। जब आप दातुन करते हैं तो दातुन से आपके फेस के पूरे चेहरे के हर हिस्से के ऊपर उसकी एक्सरसाइज होती है। तो और एक नोट हम आपसे कहेंगे कि ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला या छोटे बच्चे वो लोग इस दातुन को करें तो थोड़ा ध्यान से करें, मेरे हिसाब से तो ना ही करें, क्योंकि क्या होता है कि उसका कड़वा रस है वो अगर गले में जाता है तो उससे उल्टी और जी मचलाने की समस्या पैदा हो सकती है, जिससे गर्भवती महिला को उससे नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए उसको अगर चाहिए तो धीरे धीरे रगड़े, बस उससे ज्यादा कुछ ना करे, मुंह उसका साफ रह जाएगा और ये सबसे अच्छी चीज है। तो हम ये कहेंगे आपसे कि आप नीम की दातुन का इस्तेमाल करें। नीम की दातुन आपके लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है। आपके मुंह की जो बदबू, आपके मुंह की सड़न पस पड़ जाती है, या आप किसी बात करते हैं तो आपके मुंह में से बदबू आती है, या आपके दांत पीले होने लग गए हैं, तो आप नीम की दातुन का इस्तेमाल करें। नीम वैसे भी बहुत फायदेमंद है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कड़वा है। जब कड़वा है तो शरीर में उसका रस जाता है, वो डायबिटीज को भी खत्म करता है। तो सर्व गुण है नीम, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।